हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और हम लेकर आए हैं प्रोग्राम कागज कलम दवात। और मैं आज ही अमिता लेकर चलूंगी आपको साहित्य जगत, क्या कहे इंडियन लिटरेचर की दुनिया में। लेकिन इस बार दोस्तों, हम किसी नए शब्द सितारे से आपको रूबरू नहीं कराएंगे। जिसके बारे में इस बार हम बात करेंगे, उसके ऊपर हम पहले भी एक प्रोग्राम बना चुके हैं, लेकिन इस बार उसके ऊपर हम फिर से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि कल उनका जन्मदिन है। आप शायद अंदाजा तो लगा ही चुके होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बताएंगे कि वो उर्दू साहित्य जगत के एक बहुत ही जाने माने गीतकार और कवि हैं, जिन्होंने अपनी कविताओं से साहित्य जगत में तो अपनी धूम मचाई ही थी, साथ में भारत के सिने जगत में भी अपने लिखे गीतों से लोगों के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, ये वो कवि और गीतकार थे जिन्होंने पिक्चर्स में जब अपने सॉन्ग्स लिखने शुरू किए थे तो अपनी अदबी जबान के साथ समझौता नहीं किया था, और आज भी उस कवि की कलम का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुत ही जाने माने कवि अब्दुल हई उर्फ साहिर लुधियानवी के बारे में। दोस्तों, 8 मार्च 1921 को हमारे बीच आए थे साहिर लुधियानवी। आज हम उनका 95वां जन्मदिन मना रहे हैं, और खिराजे अकीदत के तौर पर साहिर साहब के गीत और कविताएं आपको सुनाएंगे। अभी आप सुनिए उनकी लिखी एक कविता, जो बहुत ही जानी मानी कविता है परछाइयां। फिर उसके बाद उनका गीत सुनिए, और फिर आगे बात करेंगे गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी के बारे में। जवान रात के सीने पे दूधियां आंचल, जवान रात के सीने पे दूधियां आंचल, मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। हसी फूल, हसी पत्ते, हसी शाखें लचक रही है किसी जिस्म नाजनी की तरह। फिजा में खिल से गए हैं उफन है ख्वाबों की सरजमी की तरह। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, कभी गुमान की सूरत, कभी यकीन की तरह। वो पेड़ जिनके तले हम पनाह लेते थे, खड़े हैं आज भी साकित किसी अमी की तरह। कि आरजू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नजर की दुआएं कबूल हो जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, रवा है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के सांस पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक लहर के झकोले से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में। तुम्हारी आंख मुसर्रत से झुकती जाती है, न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं। हलक खुश्क है, आवाज रुकती जाती है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। मेरे पलंग पर बिखरी हुई किताबों को अदाए इज्जो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगी, नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगीं। बारूद की बोझल भूले कर पच्छम से हवाएं आने लगीं। तामीर के रोशन चेहरे पर तकरीब का बादल फैल गया, हर गांव में वहशत नाच उठी, हर शहर में जंगल फैल गया। मगरिब के महज़ब मुल्कों से कुछ खाकी वर्दी पोश आए, इठलाते हुए मगरूर आए, लहराते हुए मदहोश आए। खामोश जमी के सीने में खैमों की तनाबें गड़ने लगी, मक्खन सी मुलायम राहों पर बूटों की खराशें पड़ने लगी। फौजों के भयानक बैंड तले चरखों
जीपों की धुलकती धूल तले फूलों की कवाएं डूब गईं, भूख उगने लगी बाजारों में, धूल उड़ने लगी बाजारों में, भूख उगने लगी खलियानों में, हर चीज दुकानों से उठकर रूपोश हुई तहखानों में, बदहाल घरों की बदहाली बढ़ते बढ़ते काल बनी, महंगाई बढ़कर काल बनी, सारी बस्ती कंगाल, पन्हारियां पंगट छोड़ गईं, कितनी ही कुंवारी उबलाएं मां बाप की चौखट छोड़ गईं, अफलास ददा दहकानों के हल बैल बिके खलियान बिके, जीने की तमन्ना के हाथों जीने ही के सब सामान बिके, कुछ भी न रहा जब बिकने को, कुछ भी न रहा जब बिकने को, जिस्मों की तिजारत होने लगी, कुछ भी न रहा जब बिकने को, जिस्मों की तिजारत होने लगी, खलवत में भी जो ममनू थी वो जलवत में जसारत होने लगी, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तुम आ रही हो सरे आम बाल बिखराए, हजार गुना मलामत का बार उठाए हुए, हवस परस्त निगाहों की तीरजस दस्ती से बदन की झेपती उरियानियां छुपाए हुए, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, मैं शहर जाके हर एक दर पे झांक आया हूं, किसी जगह मेरी मेहनत का मोल मिल न सका, सितमगरों के सियासी कुमार खाने में अलम नसीब फरासत का मोल मिल न सका, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तुम्हारे घर में कयामत का शोर बरपा है, महाज़े जंग से हर कारा तार लाया है, कि जिसका जिक्र तुम्हें जिंदगी से प्यारा था वो भाई नरगाए दुश्मन में काम आया है, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे, उस शाम मुझे मालूम हुआ खेतों की तरह इस दुनिया में सहमी हुई दोशीजाओं की मुस्कान भी बेची जाती है, उस हुआ इस कारगहे जरदारी में दो भोली भाली रूहों की पहचान भी बेची जाती है, शाम मुझे मालूम हुआ उस शाम ममता के सुनहरे ख्वाबों की अनमोल निशानी बिकती है, उस शाम मुझे मालूम हुआ जब भाई जंग में काम आए तो सरमाए के कहवा खाने में बहनों की जवानी बिकती है, सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे, तुम आज हजारों मील यहां से दूर कहीं तन्हाई में या बज्म तरबाराई में मेरे सपने बुनती होंगी बैठी आगोश पराई में, और मैं सीने में गम लेकर दिन रहूं जीने की खातिर मरता हूं अपने फन को, मजबूर हूं मैं, मजबूर हो तुम मजबूर, ये दुनिया सारी है तन का दुख मन पर भारी है, इस दौर में जीने की कीमत या दारो रसन या खारी है, मैं दारो रसन तक जा न सका तुम जहद की हद तक आ न सकी, चाहा तो मगर अपना न सकी, हम तुम दो ऐसी रूहें थीं जो मंजिल तस्कीन पा न सकी, जीने को जिए जाते हैं मगर सांसों में चिताएं जलती हैं, खामोश वफाएं जलती हैं, संगीन हकायक जारों में ख्वाबों की रिदाएं जलती हैं, और रात जब इन पेड़ों तले फिर दो साए लहराए हैं, दो दिल मिलने आए हैं
फिर मौत की आंधी उठी है, फिर जंग के बादल छाए हैं। मैं सोच रहा हूँ इनका भी अपनी ही तरह अंजाम न हो, इनका भी जुनून ना काम न हो, इनके भी मुकद्दर में लिखी एक खून से लिथड़ी शाम न हो। सूरज के लहू में लिथड़ी हुई वो शाम है अब तक याद मुझे, चाहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। चलो चलो के चल के सभी पाए माल रूहों से, कहें कि अपने हर एक जख्म को जुबां कर लें, हमारा राज हमारा नहीं सभी का है। चलो के सारे जमाने को राजदां कर लें, चलो के चल के सभी पाए माल रूहों से, कहें कि अपने हर एक जख्म को जुबां कर लें, हमारा राज हमारा नहीं सभी का है। चलो के सारे जमाने को राजदां कर लें, चलो के चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंगो जिदल के चलन से नफरत है, जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास, हमें हयात के उस पैराहन से नफरत है। कहो कि अब कोई जंगजू अगर इधर आया, कहो कि अब कोई जंगजू अगर इधर आया, तो हर कदम पे जमीन तंग होती जाएगी, मौजे हवा रुख बदल के झपटेगी, हर शाख रगे संग होती जाएगी। कहो कि अब कोई ताजर इधर का रुख न करे, कहो कि अब कोई ताजर इधर का रुख न करे, अब इस जगह कोई कुंवारी न बेची जाएगी। उठ खड़ी हुई फसलें जाग पड़े खलियान, अब इस जगह कोई क्यारी न बेची जाएगी। ये सरजमीन है गौतम की और नानक की, इस अर्ज पाक पे वहशी न चल सकेंगे कभी, हमारा खून अमानत है नस्ल नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पल सकेंगे कभी। कहो कहो कि आज भी हम सब बगर खामोश रहे, तो इस दमकते हुए खाक दां की खैर नहीं, जनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं, जमीन की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़िश्ता जंग में घर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाएं, गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं, गुज़िश्ता जंग में पैकर जले मगर इस बार अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। दोस्तों अभी जो आपने आवाज सुनी ये आवाज थी साहिर लुधियानवी की। चलिए अब उनका लिखा गीत सुनते हैं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। Hey
मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरा प्यार कह रहा है मैं तुझे खुदा बना दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। तू मुझे कहीं छुपा दे मैं तुझे कहीं छुपा दूं। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं। तेरे केसों में छुप कर मैं जहां के गम भुला दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है बता दूं। चलिए दोस्तों अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं आपको गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी के बारे में। अब जैसे कि पहले हमने बताया था कि साहिर लुधियानवी का असल में नाम था अब्दुल हई। जब उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू करी तो पहले उन्होंने अपना पेन नेम रखा था साहिर, जिसका शाब्दिक अर्थ है जादूगर। बाद में इसी वर्ड ने अपनी कलम से पूरे भारत में अपनी जादूगरी फैलाई थी। तब उन्हें कहां पता था कि जब मैं ये नाम रखूंगा तो मैं अपना जादू ऐसे सारे देश में फैलाऊंगा। और साहिर लुधियाना के रहने वाले थे इसलिए उन्होंने अपना पूरा नाम रखा साहिर लुधियानवी। और हम आज उन्हें किसी नाम से जानते हैं तो वो साहिर लुधियानवी के नाम से जानते हैं, हम में से कोई उन्हें अब्दुल हई के नाम से नहीं जानता। वैसे साहिर लुधियानवी के पिताजी जमींदार थे और रासी ठाट-बाट के जरा शौकीन थे, इसलिए कई बेगम थी उनकी, जिनमें से एक का नाम था सरदारी बेगम और वो साहिर लुधियानवी की माताजी थी। अब साहिर लुधियानवी के माताजी और पिताजी के ख्याल आपस में जरा मेल नहीं खाते थे, तो दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। लेकिन साहिर के पिताजी साहिर को अपने साथ रखना चाहते थे और साहिर ने मना कर दिया। अब इससे उनके पिताजी जरा नाराज हो गए और साहिर लुधियानवी को जान से मारने की धमकी दी। ऐसे में साहिर लुधियानवी की माताजी ने अपने सारे जेवरात बेचकर साहिर की हिफाजत के लिए गार्ड रखे। और यहीं से बचपन से ही एक खौफ और पैसों की तंगी का माहौल देखा साहिर लुधियानवी ने। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 13 साल की थी और यहीं से उनके अंदर साहिर लुधियानवी के अंदर एक इनसिक्योर कहते ना असुरक्षा की भावना उसने जन्म लिया। इसी की वजह से वो आगे काफी मुश्किलात से होकर गुजरे। साहिर लुधियानवी खुद कोई फैसला कर लेने में
और रिश्ते निभाने में जरा हिचकिचाते थे। चलिए दोस्तों, अब इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे, तब तक आप सुनिए साहिर का लिखा ये गीत, हम सब बस यूं गए और यूं आए। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान अप लाइट अप। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हंसी है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। Hey friends, do you think that life is getting so stressful? Well, if it is so, why not make it quite inspirational, motivational and stress-free? So let us meet in a world of positivity in the show Inspirational Wings Season 2. Every Tuesday 9 to 10 p.m. and repeat every Wednesday 4 to 5 p.m. with RJ Divya Sharma only on Radio Udaan, a flight of life. For more information, visit our website www.radioudaan.com. हेलो फ्रेंड्स, हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी के बारे में। अब अगर साहिर लुधियानवी की स्कूली पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई की बात करें तो वो लुधियाना में हुई थी, और साहिर कॉलेज में थे तो उन्होंने गीत और गजलों को लिखना शुरू कर दिया था, और आज भी साहिर की यादें उसके कॉलेज में सहेज कर रखी गई हैं। कॉलेज के ऑडिटोरियम का नाम साहिर के नाम पर रखा गया है।
लेकिन वैसे जब साहिर खुद कॉलेज में थे, कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो उनकी कॉलेज से विदाई जरा तकलीफ दे रही। अपने स्वभाव की वजह से कॉलेज से नाता टूट गया था। इसके बाद साहिर फिर लाहौर में आकर रहना शुरू हो गए। अब यहाँ पहले तो कुछ वक्त बहुत मुश्किलात से गुजरे साहिर लुधियानवी के। अनजान शहर था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। इधर उधर अब काम की तलाश में घूमते रहते थे। फिर जब वक्त मिलता था तो शाम को बैठकर अपनी नज़में लिखते थे। और उस वक्त जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं साहिर लुधियानवी के, उस वक्त उर्दू साहित्य जगत में कहेंगे कि इकबाल, जोश, फिराक, फैज, मजाज, ऐसे बहुत से नाम थे जो पोएट्री की फील्ड में, कवि के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। और इन सब के बीच में अपने लिए जगह बनाना साहिर के लिए आसान काम नहीं था। लेकिन अब फिर भी वो मेहनत करते रहे और 2 साल की मेहनत के बाद उनका पहला एडिशन तल्खियां छपकर बाजार में आया। और उसके बाद सारे हिंदुस्तान में साहिर लुधियानवी ने धूम मचा दी थी। और फिर साहिर ने अपनी एक नज्म लिखी, जैसे अभी हमने आपको पहले सुनाया था, परछाइयां। और ये नज्म साहिर लुधियानवी का कोहिनूर माना जाता है। इस नज्म ने पूरे भारत में इतनी जबरदस्त धूम मचाई थी कि हर मुशायरे में जहां साहिर जाते थे वहां इस नज्म को सुनाने की फरमाइश की जाती थी। वैसे साहिर लुधियानवी अपनी एक नज्म के लिए और जाने जाते हैं, और वो थी ताजमहल। और इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश करी थी कि एक शहंशाह ने किसी की याद में इतना खूबसूरत मकबरा खड़ा करके हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक बनाया है। वैसे ये भी कहा जाता है कि साहिर लुधियानवी ने जब ये नज्म लिखी थी तो खुद उन्होंने ताजमहल को नहीं देखा था। और ताजमहल के बारे में साहिर लुधियानवी का ये भी कहना था कि उन्होंने किसी चीज का मजाक बनाने के लिए ये नहीं लिखी थी कविता, उन्होंने ये कविता सिर्फ अपनी एक आम राय देने के लिए लिखी थी। बाद में एक बार ये नज्म उन्होंने भारतीय साहित्य जगत के बहुत ही जानी मानी कवित्री, जिसे हिंदी में कहा जाता है पोएट्री फील्ड की एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, अमृता प्रीतम को गिफ्ट की थी। और जिसे वो कहती हैं अमृता प्रीतम, उन्होंने अपना एक सबसे नायाब तोहफा समझकर अपने पास संभाल कर रखा था। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। किसी को पुकारा नहीं, तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं, तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं।
आशा जैसे तुम वही संग मरमर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। दोस्तों हम लेकर आए हैं प्रोग्राम कागज कलम दवात और मैं आज अमिता चर्चा कर रही हूँ गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी के बारे में। दोस्तों हम बता रहे थे कि साहिर लुधियानवी अपनी लिखी नज्मों और शेरो शायरी से काफी पॉपुलर हो गए थे, या कहेंगे उन्होंने काफी शोहरत हासिल कर ली थी। फिर उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन को ज्वाइन किया और अब साहिर लुधियानवी के ख्यालात में लेफ्टिस्ट मूवमेंट या कहीं वामपंथी विचारधारा का असर काफी देखने को मिलता है। और इतनी शोहरत के बाद या कहीं इतनी पॉपुलैरिटी के बाद लाहौर की चार बहुत ही फेमस मैगजीन्स अदबे लतीफ, शाहकार, प्रीत लड़ी और सवेरा मैगजीन्स की एडिटिंग करने की जिम्मेवारी साहिर लुधियानवी को मिल गई। अब इसी के साथ देश आजाद हो गया, लेकिन देश को फिर बंटवारे के दर्द से भी होकर गुजरना पड़ा और ये एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। साहिर लुधियानवी ने वैसे तो पाकिस्तान में रहने का फैसला किया, लेकिन फिर बंटवारे के दर्द का जो माहौल था उसका उन्होंने जम कर विरोध किया, कहेंगे इसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत कुछ लिखा और सवेरा मैगजीन्स में बेखौफ होकर आर्टिकल्स लिखे। अब पाकिस्तानी सरकार को साहिर लुधियानवी की ये भाषा पसंद नहीं आई तो उन्होंने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। फिर 1949 में साहिर लुधियानवी ने पाकिस्तान छोड़कर भारत आकर रहने का फैसला कर लिया। अब साहिर लुधियानवी पहले तो दिल्ली में आकर रहे, फिर मुंबई में आकर रहना शुरू हो गए और यहीं से शुरू करी उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत और उसके लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। अब साहिर लुधियानवी जब अपने इतने संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे तो उन्हें एक पिक्चर आजादी की राह के लिए गाना लिखने का मौका मिला। फिर ये गाने तो लेकिन इतने पॉपुलर नहीं हुए, लेकिन साहिर लुधियानवी ने अपना संघर्ष जारी रखा। फिर उन्हें पता चला कि संगीतकार म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन को अपनी पिक्चर नौजवान के लिए गाने गीतकार की जरूरत है। साहिर लुधियानवी सीधा पहुंच गए एस डी बर्मन के पास और कहा, वो हारमोनियम पे उन्हें धुन बजाकर सुनाए और वो उन्हें गीत लिख कर देंगे अभी। फिर एस डी बर्मन ने अपनी धुन बजाई और साहिर लुधियानवी ने उन्हें गीत लिख कर दिया और वो एस डी बर्मन को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसको अपने पिक्चर में शामिल कर लिया और ये गाना हुआ भी बहुत पॉपुलर हुआ। और फिर इसके बाद साहिर लुधियानवी और एस डी बर्मन की बहुत अच्छी जोड़ी बन गई और ये काफी टाइम तक दोनों ने मिलकर, साहिर लुधियानवी और एस डी बर्मन ने मिलकर कई गीत की रचना करी। और फिर साहिर लुधियानवी को एक और पिक्चर के लिए जाना जाता है, वो है बाजी। इस पिक्चर के लिए साहिर लुधियानवी ने जो सॉन्ग्स लिखे वो इतने सुपर डुपर हिट हुए कि साहिर लुधियानवी का नाम बॉलीवुड के सारे जाने माने गीतकारों की लिस्ट में शामिल हो गया। और अब हम बात करते हैं उस पिक्चर की जो साहिर लुधियानवी की कहेंगे करियर के एक सबसे खास पिक्चर थी और साहिर लुधियानवी को जिस पिक्चर के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वो थी
प्यासा, इसको भी डायरेक्ट किया था गुरुदत्त ने। और इस पिक्चर को कहा जाता है कि ये पिक्चर साहिर लुधियानवी के ऊपर बनी थी। जैसे कहा जाता है कहानी साहिर लुधियानवी की कहानी थी, जब वो एक कवि के तौर पर अपनी एक जगह बनाने के लिए, अपनी कवि साहित्य के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए जो कोशिश कर रहे थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे, वो ही इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश करी गई है। और फिर साहिर लुधियानवी ने जिसमें गीत लिखे हैं उसके अंदर उनकी कश्मकश की, जो उनके अंदर की साहिर लुधियानवी ने जो अपने अंदर की कश्मकश है उसे बड़ी खूबसूरती से बयां किया है। चलिए दोस्तों, आप सुनिए इस पिक्चर का एक गीत, फिर हम आगे चर्चा करेंगे गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी के बारे में। ये तख्तों, ये ताजों के दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों के दुनिया, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलम बद हवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बसती है मुर्दा परस्तों की बसती, यहाँ पर तो जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जवानी भटकती है बदकार बनकर, जवान जिस्म सजते हैं बाजार बनकर, यहाँ प्यार होता है व्यापार बनकर, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, ये दुनिया जहाँ आदमी कुछ नहीं है, वफा कुछ नहीं, दोस्ती कुछ नहीं है, जहाँ प्यार की कद्र ही कुछ नहीं है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है,
ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी के बारे में अपने प्रोग्राम कागज कलम दवात में। और हम बता रहे थे कि साहिर लुधियानवी ने बॉलीवुड में एक गीतकार के तौर पर अपनी काफी धाक जमा ली थी। वैसे साहिर लुधियानवी के फ्रेंड्स भी बताते हैं कि साहिर लुधियानवी सिर्फ पिक्चर्स के लिए ही बने थे, और जब वो अपने संघर्ष के क्या कहेंगे अपने स्ट्रगलिंग डेज से गुजर रहे थे लाहौर में, तब वो कहते थे कि साहिर लुधियानवी कि वो और कुछ करे ना करे एक दिन गीतकार तो जरूर बनेंगे। और ये टाइम आया भी जब वो बॉलीवुड में आकर गीतकार बने, और सारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मोस्टली साहिर लुधियानवी से ही गीत लिखवाना पसंद करते थे। अब अगर साहिर लुधियानवी की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो साहिर लुधियानवी ने शादी नहीं की थी, लेकिन अपनी लव स्टोरीज के लिए काफी चर्चा में रहे। उनकी लव स्टोरीज में जो दो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आते हैं वो है कवित्री पोएट अमृता प्रीतम और सुधा मल्होत्रा। अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी की मुलाकात हुई थी लाहौर में एक कवि सम्मेलन में। इस पर अमृता प्रीतम ने अपनी बायोग्राफी रसीदी टिकट में लिखा है कि इस मुलाकात के बाद ऐसा लगा जैसे मानो साहिर लुधियानवी और उनका जन्म जन्म का कोई नाता है। अमृता प्रीतम कहती हैं कि लाहौर में जब कभी साहिर मुझसे मिलने आता तो मेरी ही खामोशी में से निकला खामोशी का एक टुकड़ा कुर्सी पर बैठता था और चला जाता था। कभी एक बार उसके हाथ को छूना चाहती थी, पर मेरे ही सामने मेरे ही संस्कारों की वो दूरी थी जो तय ही नहीं होती थी। और फिर दोस्तों, हमने जैसे आपको पहले बताया कि साहिर लुधियानवी ने अपनी लिखी कविता ताजमहल अमृता प्रीतम को गिफ्ट की थी, जो उन्होंने ता उम्र संभाल कर रखी थी अमृता प्रीतम ने। फिर आजादी के बाद दोनों भारत आ गए। अमृता प्रीतम दिल्ली में रहती थी और साहिर लुधियानवी मुंबई में। इससे भी दोनों के बीच में एक फासला हो गया, लेकिन अमृता प्रीतम कहती हैं अपनी बायोग्राफी रसीदी टिकट में कि 1960 में उन्होंने अपने पति से अलग होने का फैसला कर लिया। वो कहती हैं कि साहिर को बताने के लिए टेलीफोन बूथ गई तो वहाँ एक फिल्म मैगजीन में खबर छपी थी कि साहिर को नई मोहब्बत मिल गई। हाथ फोन डायल करने से कुछ इंच की दूरी पर रुक गया। मैंने मर जाने का फैसला कर लिया और जिंदगी की सबसे उदास कविताएं मैंने उसी साल लिखी थी, और साहिर लुधियानवी की नई मोहब्बत थी सुधा मल्होत्रा, बॉलीवुड की एक जानी मानी हस्ती सुधा मल्होत्रा। लेकिन सुधा मल्होत्रा के साथ भी फिर साहिर लुधियानवी का रिश्ता काफी समय तक नहीं, काफी टाइम तक नहीं रहा। लेकिन एक अकेलापन और प्यार उनके साहिर लुधियानवी के लिखे फिल्मी गीतों में काफी देखने को मिलता है। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी
कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया जो गम खार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो था मैं दीवानों का, हमको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे, उफ न करेंगे लब सी लेंगे आंसू पी लेंगे, गम से अब घबराना कैसा गम सौ बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी के बारे में। चलिए दोस्तों, अब हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे गीतकार के तौर पर। साहिर लुधियानवी जो एक गीतकार के तौर पर बॉलीवुड में काम कर रहे थे, अब एक बार डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रमेश सागर एक नॉवल क्राइम एंड पनिशमेंट के ऊपर अपनी एक पिक्चर बना रहे थे, फिर सुबह होगी। अब इस पिक्चर के हीरो थे राज कपूर और गीत लिख रहे थे साहिर लुधियानवी। और राज कपूर की पिक्चर को अगर कोई म्यूजिक देता था तो वो सिर्फ शंकर जयकिशन होते थे उनके म्यूजिक डायरेक्टर। आप और वो चाहते थे कि इस पिक्चर का गीत खयाम लिखें, क्योंकि उनके हिसाब से उनके लिखे गीत को अगर कोई बहुत गहराई से समझ पा रहा है तो वो खयाम है। फिर साहिर लुधियानवी खयाम को लेकर राज कपूर के पास गए और राज कपूर ने वो धुन सुनी और वो भी बहुत खुश हुए और फिर इस पिक्चर के संगीतकार बने, फिर सुबह होगी पिक्चर के संगीतकार बने खयाम। इस पिक्चर में बेसिकली जो गाना साहिर लुधियानवी ने लिखा था
वो एक बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग का गाना था और इस गाने में वो चाहते थे कि बहुत कम से कम म्यूजिक हो ताकि लोगों का ध्यान म्यूजिक से ज्यादा वर्ड्स पर जाए जो साहिर लुधियानवी ने लिखे हैं। चलिए दोस्तों आप सुनिए साहिर लुधियानवी ने क्या शब्द लिखे थे और वो हम आज भी सुनते हैं तो बस सुनते रह जाते हैं। वाह सुनिए आप वो गीत। वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा। जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, ओ सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। के अभी तेरे मेरे अरमानों की कीमत कुछ भी नहीं, मिट्टी का भी है कुछ मोल मगर इंसानों की कीमत कुछ भी नहीं, इंसानों की इज्जत जब झूठे सिक्कों में ना तोली जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी। हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं गीतकार और कवि साहिर लुधियानवी के बारे में। दोस्तों साहिर लुधियानवी ने बॉलीवुड में वैसे हर मूड के सॉन्ग्स लिखे, लेकिन एक बात जिससे साहिर लुधियानवी बहुत नाराज थे वो ये था कि उस 50s और 60s में लिरिसिस्ट या पोएट्स को उतना उनके मेहनत का हक नहीं मिलता था जितना म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स को मिलता था, और ये गुस्सा उन्होंने अपनी किताब गाता जाए बंजारा उसके इंट्रोडक्शन में लिखा भी है। उन्होंने कहा कि पोएट्स और राइटर्स को उनकी मेहनत का बराबर हक मिलना चाहिए। अब इसके लिए साहिर लुधियानवी ने अपनी डिमांड रखी कि म्यूजिक डायरेक्टर्स और सिंगर्स को जितना मिलता है उनके मेहनत का उससे एक रुपया साहिर लुधियानवी ज़्यादा लेंगे।
आप इस तरह से साहिर लुधियानवी ने गीतकार और लेखक को बॉलीवुड में उसका पूरा हक दिलाने की कोशिश करी और साहिर लुधियानवी ने ये जो जंग छेड़ी थी इसका असर ये भी हुआ कि पहले आकाशवाणी में जब सॉन्ग्स को जब अनाउंस किया जाता था तो उसके साथ गीतकार का नाम नहीं अनाउंस होता था, सिर्फ संगीतकार और गायक का नाम अनाउंस होता था। लेकिन जब साहिर लुधियानवी ने अपनी ये जंग छेड़ी तो उसके बाद आकाशवाणी में हर गाने के अनाउंसमेंट के साथ एक गीतकार का नाम भी लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की इतनी भागती दौड़ती जिंदगी की रफ्तार में कभी जब एक क्षण ऐसे लगने लगता है कि कोई तो कहीं हो जो हमारे मन की बात समझ ले और हम कहीं तो एक पल को शांति से कुछ देर के लिए बैठ सकें और किसी के साथ अपने अंदर की खुशी और दुख को बांट सकें, लेकिन ये कभी संभव हो पाता है कभी नहीं। ऐसे में साहिर लुधियानवी जैसे गीतकार और कवि के लिखे गीत और कविताएं हमें अंदर तक छू जाती हैं और हमारे दुख में, खुशी में, हर पल में हमारी सच्ची हमदर्द बन जाती हैं। 25 अक्टूबर 1980 में साहिर लुधियानवी हमारे बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनके लिखे गीत और कविताएं आज भी हर पल को पूरी तरह से जीने की एक अंदर उम्मीद जगाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम यहीं पर अलविदा कहेंगे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए सितारे के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, अगर आप अपने कोई राय देना चाहते हैं या अपना लिखा कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो www.radioudaan.com या amitashermaamita8@gmail.com पर हमें अपनी पूरी डिटेल लिखकर भेजिए। हम आपको अपने प्रोग्राम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया,
जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।